हेलो आईपी, कैसे हो? जहर नॉर्मल, जहर मेरी तरह देखो, इतना डेडिकेशन है मेरे अंदर। गिम्बल है मेरे हाथ में, गिम्बल है मेरे हाथ में और शूट करने के कारण गिम्बल है मेरे हाथ में और क्रिंज इनटू 100 हो गया। ये सब हाथ पकड़ने के कारण मैं दूसरे हाथ का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मेरे भाई के साथ एक कांड हो गया है, देख सकते हैं आप। देखिए इतना सज धज के ये निकला था घर से, और यहाँ देखिए लगे गए। अब क्या करें, स्ट्रगल है, करना पड़ेगा ही। ऐसी थोड़ी ना कोई अपने मुकाम में पहुंच जाता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बाप रे, कितने प्यारे क्लाउड्स दिख रहे हैं। नाइस। हाँ बैठ जाए, चलो मिलते हैं। पीस। भाई लोगों का स्ट्रगल देख रहे हो, शॉर्ट कट बोल के लॉन्ग कट हो गया। भाई ने बोला कि शॉर्ट कट है। ये लड़के ने बोला शॉर्ट कट। अभी देखो क्या हालत हो गया। खींचो जो लगा के ऐसा। अब ये मैंने बोला मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली हाथ में ये पकड़ रहा हूँ। बहुत महंगी चीज़ है ये, उस स्कूटी से ही महंगी, इसलिए। बेटा माज कर दी, माज आराम से, आराम से, आराम माज कर दी। वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो अबे अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। खींचे ये चलो, अब यहाँ जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएंगे। ये जगह में पैदल ही निकाल दो साइड से। कैसा लगा आपको बताइए? हाथ में आ गई भाई। कोई भी आएगा तो नोटिस करना, यहाँ से आप निकल नहीं पाओगे जब तक ये पानी सूखेगा नहीं है वो नहीं है, हम लोग के कैमरा मैन ऐसे नहीं है, बहुत स्मार्ट है। चलो आईपी, देखते हैं कोई सॉल्यूशन कहाँ से जा सकते हैं अपन। अच्छा इधर से रास्ता है। अच्छा आगे से, ठीक है, थैंक यू भैया। चलो आईपी देखते हैं। प्लीज आज तो सुबह से ही गुड मॉर्निंग हो गया है। चलो मिलते हैं। देखो भाई ने बहुत मेहनत करा, देखो जूते वहाँ रखा था। आराम से। एक आर्टिस्ट का हसल। हाँ यार, ये भाई तो अपना फुल हीरो बन के आया, अपना भाई तो फुल हीरो बन के आया, पर यहाँ देखो जूता बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, कड़ी है क्या? बाप रे कड़ी है, इंजेक्शन लगवा देना इसको। देखो भाई का शूज का हालत क्या हो गया, तो कभी भी आप अच्छे ड्रेस पहने रहोगे ना तो ज्यादा होशियार मत बनना इसकी तरह। शॉर्ट कट बोल के लॉन्ग कट हो गया ना। हाँ तो लाइफ में ये याद रखना कि कभी भी शॉर्ट कट नहीं लेना, मेहनत करो, बस मेहनत हसल करो। अभी कर रहा था तो ये हो गया। चलो कुछ नहीं होता, पीस। चलो मिलते हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं यहाँ से कैसे बाहर आए। चलो आप व्यू देख लो, बहुत सुंदर है ये दलदले को छोड़ के। चलो ओके, पीस। ओके भाई पी, तो अपन है बाबा धाम में। ओके यहाँ शूट होना है। बाबा धाम के बारे में अगर नहीं जानते तो एक सिंपल सा चीज़ बता दे रहा हूँ। एक बाबा जी है, वो 2000 में एक खेत पे जाके तपस्या करे, वो तपस्या इतना देर तक करे कि स्टिल वो अभी तक मतलब वैसे ही बैठे हुए हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊँगा तो मैं उसमें साइलेंट कर दूँगा, और आपको जो भी विश रहेगा आप मांग लेना। यहाँ बहुत मानते हैं उनको, बहुत ज़्यादा, और इवन वो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक सब में उनको टेलीकास्ट किया है, और न्यूज़ वगैरह में भी आए हैं, तो आप सर्च मार लेना। ओके बाबा धाम रायगढ़ के। ओके पीस। ओके अपना विश मांग लो जल्दी जल्दी, जो भी आप चाहते हो, और मेहनत भी करना होगा, बाकी विश मांगो आप। पीस।
हेलो भाई पी, तो जस्ट शूट डन हुआ है। एक्चुअली बाबा के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसी कारण से अलाउ नहीं कर रहे हैं जाना अंदर देना, तो मैं बाहर से बनाया हूँ। तो जो भी डिशेस है आप वहीं से प्लीज़ मांग सकते हो। ओके, और अब जा रहे हैं आप बूढ़ी माई मंदिर, वहाँ पर भी आपको जो विश मांगना आप मांग लेना। थोड़ा सिनोग्राफी, थोड़ा सिनोटोग्राफी, सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, थोड़ा सिनोटोग्राफी मूवमेंट्स मैं लूँगा वहाँ पर, तो प्लीज़ आप देख के आप इंजॉय करिए, लुप्त उठाइए लुप्त। ठीक है, तो बूढ़ी माई मंदिर का मैं आपको क्लिप अभी इसके बाद प्ले करूँगा, तो प्लीज़ आपकी जो जो विशेष हैं वो आप मांग सकते हैं और इंजॉय करें यार, क्योंकि यार क्योंकि मैं इतना दूर आया हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दिखा, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, विश मांगिए, मेरे लिए भी मांगिए, अपने लिए भी मांगिए और जहर रहिए। ओके चलो, और मैं जो भी भगवान का क्लिप प्ले करूँगा उसमें मैं साइलेंट रख दूँगा, ताकि आप जब विश मांगो तो आप डिस्टर्ब ना हो। पीस। अपना ड्रोन उड़ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, यह दिख नहीं रहा है ड्रोन अपना, वैसे ज़्यादा ही ऊपर चले गए ये। ये है अपना ड्रोन, देख सकते हैं ये उड़ रहा है। एक पंखुड़ इसका शायद थोड़ा स्लो चल रहा है आई थिंक। चलो ओके, आपको जो भी विश मांगना था आपने मांग लिया ना। ओके, अब शूट होने की बात करते हैं। पीस। ब्रो अपन कहाँ है? ये है रायगढ़ का राजा महल। राजा महल, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताइए। मोती महल। हाँ ओके। क्या हमारे चक्रधर सिंह राजा जी मतलब रहते थे, या हिस्ट्री में मैंने मतलब पढ़ा है इनके बारे में, बताते हैं कि मतलब वो म्यूजिशियन थे। हाँ म्यूजिशियन थे, उनको संगीत में बहुत रुचि था, और जितने भी मतलब इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मतलब म्यूजिशियन थे यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम वगैरह, बड़ा ही रेस्पेक्ट मतलब मिलता था उनको, क्योंकि वो उनको म्यूजिक में ही बहुत रुचि था, और तबला वगैरह भी बजाते थे वो। हाँ, और इंटरनेशनली फेमस है, और आज उनके रायगढ़ में चक्रधर समारोह भी किया जाता है, जिसमें मुंबई से भी बड़े बड़े कलाकार लोग आते हैं, बॉलीवुड के कलाकार लोग यहाँ आके मतलब परफॉर्म वगैरह करते हैं, तो मतलब वो हफ्ता भर का शो रहता है समझ। इंटरनेशनली काफ़ी फेमस थे, आप देख सकते हैं ये राजा महल। अभी मैं इसका सिनेटोग्राफी शॉट आपको दिखाऊंगा। ये भाई लेंगे मेरे, इनका नाम है जेएस पटेल, इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, मेरे से तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर। अभी भाई देखना मेरा स्टोरी डालेंगे, मेरे एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया। इंजॉय करो, तो वैसे भी अच्छा ही लग रहा होगा वो, है ना, शूटिंग में नहीं। अच्छा अच्छा, तुम बड़ा एंजॉय कर रहे हो, का दिया मफ्फू लग रहा है। ये भाई को देखो, ये मेरे को बोल रहे थे सुबह सुबह कि आपकी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी है, बताओ भाई, हाँ तारीफ कर रहे हो थोड़ी मेरी। हाँ लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। जहर नॉर्मल, जहर मैं, जहर तू। एक सेकेंड और, जहर नहीं, नॉर्मल नॉर्मल, मेरी तरह इसकी तरह लुफ्त उठाते हुए। ये जहर जिसे मैं खाकर मरने वाला हूँ। ये रायगढ़ का पहाड़ मंदिर है, ये 501 सीढ़ी है यहाँ पे, और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, और ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू। अब देखो ऊपर जाना होता है कहीं, क्योंकि ड्रोन शॉट लेना है। ओके, आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, लेट्स सी क्या होता है। ओके पीस। तो यहाँ पहाड़ मंदिर का शूटिंग होगा वाईपी, और शायद ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, यहीं से शूट होगा, जो भी होगा दौड़ के जल्दी है कि खाली फेस और सीढ़ी दिखना चाहिए, और इतना हाफ आना चाहिए इसका, है ना। ठीक है, हो गया। क्या करना ले,
भाई ये भी अब व्लॉग बनाने लगा मेरे को देख देख के, चीटर खोर, तो इसका व्लॉग जरूर देखें। हाँ ये मेहनत ये कर रहा है, नाम ये ले जाएगा, सब्सक्राइबर भी इसके, फॉलोअर्स भी इसके, सब इसके। ये बहुत गंदा आदमी है, इसको फॉलो मत करना, सॉरी सब्सक्राइब मत करना। ये व्लॉग नहीं है। हाँ तो तू व्लॉग बना रहा था ना, BTS मतलब ब्लूटूथ स्पीकर। एक इतने 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 मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड के शॉट के लिए इतना इतना दूर आना पड़ता है हम लोगों को। ये भाई देखो ब्लॉगिंग करने की कोशिश करते, बट मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं, समझे ना, बताओ इनको भाई जैसा कोई नहीं। जहर हाँ नॉर्मल अभी क्या था, अभी तो फिलहाल नॉर्मल सब दिखने लग गया, एकदम काला दिख रहे हैं। वैसे हम लोग हैं ही काला, लेकिन फिर नहीं आपके छोड़ गया, ब्राउन मुंडे करिया मुंडे भूरा टूरा ये भूरा टूरा था, भूरा टूरा। फिलहाल तो सबके वो जहर बोलना चाहिए, लेकिन फिलहाल अपन नॉर्मल। हालत बहुत बैंड हो गई है, अभी हम लोग रूम जा रहे हैं और वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है जो कि अपन कहाँ सोचे हैं ब्रो, परसदा जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ही बेस्ट झरना है, रायगढ़ का सबसे बेस्ट प्राकृतिक। मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ अभी भी स्टिल शूटिंग चालू है, हमारा कैमरामैन बहुत मेहनत है। एक बार यहाँ देख लो भैया, जीएस भाई नाम है, इनको फॉलो करो, बहुत अच्छा फोटोग्राफी करते हैं। अगर मेरा नाम लोगे तो 500 रुपए डिस्काउंट है, और मेरा नाम लोगे तो 150 रुपए मिलेगा। दोनों का नाम लोगे तो 650 रुपए तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट, इसका नाम मत लेना, फ्री का काम नहीं। भाई है ये मेरी डार्लिंग है, मेरी जान है, मध्य प्रदेश से आया है छत्तीसगढ़ सिर्फ भाई का वीडियो शूट करवाने के लिए। चल झूठा, पूरा मैनेजमेंट ये संभाल रहा है, और ये बहुत खा भी रहा है, थोड़ा सा मोटा है। जिंदा पांडा गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। भाई पी आज का शूट कैंसिल हो गया है क्योंकि ये शूट चल रहा है, देख रहे हो डेडिकेशन, किसी से डर नहीं रहा है, ऐसी होना चाहिए। अभी परसदा का कैंसिल हो गया क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, ये भाई ने बोला है, और बस इतना ही होगा आज का शूट तो वैसे ही। और ड्रोन वगैरह का शूट लेना है लास्ट का, एक कार का लेना है, इसी कारण से थोड़ा सा शूट डिले हो गया। बाकी वो सोचें अपन क्लिप ऐड करके वो क्लिप ऐड कर देंगे, बाकी का लेट्स सी क्या होता है। बॉडी पूरा टायर्ड हो गया है तो शायद ही अब मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा ब्लॉग। ओके तो शूट और लेंगे, फिर उसके बाद अपन ऐड करेंगे। ओके देख रहे डेडिकेशन, आज मेरा भाई कुछ नया चीज सीखा है, मेरे को सुबह दिखा रहा था, दिखा तू आके देख ले मेरे वाला 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 वाइब्रेट वाला वाइब्रेट वाला खतरा खतरा। अरे 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 कोई तो रोक ले, चलो पीस। जस्ट शूट कंप्लीट हुआ है, अब तेरा चेहरा आ गया, बंद कर, जस्ट एक सूट बंद। उससे तुम लोगों को एक्साइड तक पहुंचे या नहीं ना बेटा, और कल तुम लोगों को फोन नहीं आया ना, मेरा बिना मनीष का सपना ही। नेक्स्ट शॉट का शूट हो रहा है। ओके एकदम नेचुरली छेड़ना, ठीक है, इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। डेडिकेशन देख रहे हो, बाप रे एकदम भरे बाजार में बिना किसी से डर रहे। ये देखो मेरा भाई हीरो बना हुआ है, शूट फॉर सुशांत खत्री, सुशांत 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 प्रधान, ये नॉर्मल बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है ये, आप देखना वीडियो में, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो कवर आएगा तो हाँ इसको देखना, इसको देखना। चलो अपन मिलते हैं, पीस पीस पीस। एक सीन बचा लास्ट का बस, इसके बाद फिर सब एडिटिंग के लिए जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, ठीक है। एडिटिंग ये क्या हो रहा है, मैक लगा डिश मार दिया, तो चलो शूटिंग डन। ओके अब आप लोग प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और प्लीज़ मुझे अपना प्यार दें। ओके प्लीज़ जहर नॉर्मल जहर मेरी तरह
ओके पॉम पॉम, एक गहरी सांस लीजिए। क्योंकि ये जहर सीधा मुद्दे की बात पर आते, जिसके बारे में कर रहा बात है उसी YouTube की जनता चाहते, जहर कंटेंट लेकर आते, हाँ जहर कंटेंट लेकर आते, या जहर कंटेंट लेकर आते, क्योंकि ये जहर, हाँ क्योंकि ये जहर, ये जहर, yeah।